अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं रबड़ी फलूदा, बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे इंशाल्लाह। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। कटे हुए बादाम चाहिए हमें, उसके साथ हमें चीनी चाहिए 4 टेबल स्पून, इलायची चाहिए हमें, पानी चाहिए हमें सिरप बनाने के लिए। 1 कप पानी लिया, उसमें ऐड की हमने जी 4 टेबल स्पून चीनी। इसे हम बना के मीठा सा वो शरबत बनाएंगे और साथ में इलायची डालेंगे। बस ये 3 चीज़ें हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पानी को बॉयल आ चुका है, उसमें हमने इलायची पाउडर डाल दिया, 1/2 टीस्पून आप इसमें डाल दें। जब एक तार का शीरा बन जाए तो तैयार है। फलूदा सेवइयों के लिए हमें चाहिए सेवइयाँ जो कि मैंने पीछे बनाई है। ये हमारे पास रबड़ी तैयार है, क्रश्ड आइस है और साथ में वही मीठा सिरप जो शुगर का बनाया था। और डेकोरेशन में हमें बादाम चाहिए। ये सेवइयाँ जो मैंने बनाई है, इसकी रेसिपी मैंने पीछे फालूदे में बड़ी डिटेल से आपके लिए बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, लिंक डाल दूँगी। जैसे कि ग्लास में सबसे पहले हमने फलूदा सेवइयाँ डाली, ऊपर हम इसमें वो मीठा सिरप जो है वो डालेंगे जो चीनी का, पानी और इलायची का हमने तैयार किया। 2 टेबल स्पून इसमें वो डाल दें, अपनी मर्ज़ी से सेवइयाँ डालें। ऊपर से क्रश बर्फ़ डालेंगे, आइस, जितनी आइस होगी उतना ही ये चिल अच्छा मज़ेदार लगेगा, ठंडा ठार। इसके ऊपर रबड़ी डालेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, अब देखिए जितनी अच्छी इसमें आइस डलेगी उतना ही ये चिल ठंडा होगा। अब ऊपर हमने खोए वाली रबड़ी डालेंगे। रबड़ी बनाना बहुत इजी है, जैसे कि मैंने पहले बनाई है, मैं इसमें लिंक डाल दूंगी। बहुत इजी है बनाना, ज़रूर इसे ट्राई करें और जितना चिल करेंगे उतनी ज़बरदस्त लगेगी ये। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह से मेरी छोटी छोटी रेसिपी ठंडी मीठी इन्हें भी ट्राई करें, आपको ज़रूर मज़ा देगी। अच्छा सा फीडबैक दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ये देखिए मनपसंद तरीके से इसकी डेकोरेशन करें और बच्चे बड़े सबकी फेवरेट, ज़रूर ट्राई करें, ज़बरदस्त लग रही हैं। अल्लाह हाफिज़।